अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बच्चों के ताकत के खजाने की एक बहुत ज़बरदस्त सी छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो है बहुत मज़ेदार जो है चूरी बनाते थे। हम चूरी में थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे जो कि बच्चे आजकल के बच्चे खा सके। मैं दो तीन वेरिएशन आपको बताऊंगी, उस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं और बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। आप देसी घी या नॉर्मल घी का जो है, मैं देसी घी का छोटा सा पराठा बनाया है, इसको मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। 3 to 4 टीस्पून जो है ना, टीस्पून या 2.5 टीस्पून देसी घी ऐड कर दिया है। साथ हम लोग यहाँ पर जो है ना 1 टेबल स्पून तक शुगर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पराठा थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पर जो है ना, आप चाहें तो आप चीनी को टोटली स्किप भी कर सकते हैं। ये 8-10 साल तक का बच्चा जो बड़े शौक से खाएगा, बहुत शौक से, बल्कि उससे बड़े बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। अब इस तरह का कोई सा भी ना स्टील का ग्लास ले लेना है आपने, और ये स्टील के ग्लास से इतना अमेजिंग सा क्विक से जो है ना, ये देखें इस तरीके से ना आपने प्रेस करते जाना है और फोल्ड करते जाना है ना, मतलब इसको इस तरह से आपने कट और फोल्ड, कट और फोल्ड करते जाना ना। इससे ना बहुत स्क्वायर पीसीस में ना पराठा कटिंग हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने यहाँ पर, बच्चे बड़े शौक से जैसे चीज खाते हैं ना, तो आप यहाँ पर चीनी को टोटली स्किप कर दें। और जब ये स्क्वायर पीसेस में बन जाएगा ना, तो आपने हल्की सी चीज इसके ऊपर स्प्रेड करनी है और माइक्रोवेव कर देनी है 1 मिनट के लिए। चीज मेल्ट हो जाएगी और उसके ऊपर आप कोई सी भी टॉपिंग दे सकते हैं। इस तरह बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। इसके पीसेस इतने बारीक होते हैं ना कि बहुत अच्छा लग रहा होता है। चूरी में तो बिल्कुल चूरी बन जाती है ना, लेकिन इसमें स्क्वायर पीसेस बनेंगे। तो ये बड़ा मजे का और यूनिक सा आइडिया था, और जिन्होंने मुझे बताया था मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस तरीके से देखें, जब आप फोल्ड करते जाएंगे ना, तो अभी आपको दिखाती हूँ ना कि किस तरीके से ये छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कटिंग हो जाएगा सारा। और इसके बाद दूसरा ये है कि आप लोग इसी तरह बनाकर और इसको जो है ना, इसके ऊपर आप किसी भी बाउल, कटोरी, जिसमें भी आप बच्चे को देंगे ना, उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड कर दें अच्छे तरीके से, और उसके ऊपर आप नट्स डाल देना, कोई से भी बादाम, पिस्ता बादाम वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं ना। उससे ये दोनों वेरिएशंस बहुत अच्छी होती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अभी वैसे मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो उसने कहा कि मुझे सिंपल कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे इसी तरह से खाना है, मुझे जल्दी से बना दें। तो मैंने जब ना बनाने लगे, सोचा क्यों ना ये छोटी सी ट्रिक कह लें, रेमेडी कह लें, रेसिपी कह लें, आपके साथ शेयर कर दूं। और ये ग्लास से बहुत अमेजिंग तरीके से बनती है। तो ये देखें कितने प्यारे जो है ना, ये देखें स्क्वायर पीसेस में कटिंग हो गए छोटे छोटे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।